ओम साईराम, मेरा नाम सत्यम अग्रवाल है और मैं बीएल स्कूल शांति का एक छात्र हूँ। इस साल की सीबीएसई क्लास 12 परीक्षा में मेरे 97.4% आए हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी में मैंने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं स्टेट में मेडिकल की क्षेत्र में फर्स्ट आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो इतने सारे अंक प्राप्त किए हैं, इसके पीछे मेरी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की मेहनत है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स डॉक्टर संजय अग्रवाल एंड डॉक्टर सविता अग्रवाल, जिन्होंने इस पूरे रास्ते में मुझे काफ़ी सहायता दी है। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मैं इतने अंक प्राप्त कर पाया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभार हम जब एग्ज़ाम से पहले जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इतना सारा सिलेबस देख के हम डर जाते हैं कि हम इतना सारा सिलेबस कैसे कवर अप कर पाएंगे, उसका भय होता है हमें। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रिपरेशन के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए। डेली के गोल्स सेट करने से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें रोज़ का एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें इतना टॉपिक कवर करना है आज या इतने चैप्टर्स आज कवर करने हैं। इससे यह होता है कि जो भी सारा सिलेबस है हम उसको एक प्रोग्राम्ड वे में कवर अप कर पाते हैं और एग्ज़ाम आते आते हमें फिर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और हमेशा एक इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जैसे हम खेल कूद में भाग लेते हैं। हमें हमेशा पढ़ाई को एज अ को एक्टिविटी, जैसे एक को करिकुलर एक्टिविटी, एक हॉबी की तरह लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसा लगेगा कि पढ़ाई एक खेल की तरह ही है और हम प्रेशर में नहीं आ पाएंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सताने लगती हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हम जितना दूर सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स और बाकी लैपटॉप आदि उपकरणों से जितना दूर रह सकेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है।